आपका नाम क्या हुआ? प्रकाश कुमार। प्रकाश कुमार, आपका नाम क्या हुआ जी? अंकिता कुमारी। मुँह क्यों छुपा रही हैं आप? पुड़िया बना रही हूँ घर पे, थोड़ा सा खुआ लेने जा रही हूँ। अच्छी बात है, पुड़िया बना रही है घर पे, लोकला नहीं है यही और यहीं पे थोड़ा दुकान है तो जा। सबको यही बतिया कर रहा है, बस यहीं पे जा रहे हैं। देख रहे हैं सर, अभी हम लोग सर बिना हेलमेट के ही चल रहे हैं, ले लेते हैं सर। डर लग रहा ना है, हेलमेट है। पहले से देखा जाए तो 100 के जगह 70-60% हेलमेट का जनसंख्या। पैर भी करा रहे तो पैर भी पे भी नहीं सुना जाता। हाँ पैर भी करा रहे हैं, लेकिन पैर भी पे भी नहीं, अब पता ना CPU ऑफिसर कौन है, लेकिन यहाँ पे कुछ पैर भी नहीं चलता है। सीधे आप हेलमेट खरीद के लाइए और जाइए, नहीं तो फिर चला देखिए। बिल्कुल सर, मैं अभी पुड़िया बना रही हूँ घर पे, थोड़ा सा खुआ लेने जा रही हूँ बस। देखिए अच्छी बात है, पुड़िया बना रही है घर पे। सर हम लोग लोकल आदमी है, यहीं पे पास में जान कीमती है ना जी सर, सॉरी इसके लिए। हमसे क्यों सॉरी बोले, बता सर सॉरी बोलिए। इसलिए हम लोग पास के, इसलिए जल्दी जल्दी चले जा रहे हैं। मात्र 6000 रुपए चालान कट रहा है। नहीं माइक पर हाथ मत रखिए मैडम, माइक पर। ठीक है सॉरी इसके लिए सर, प्रशासन से सॉरी बोलिए, हमको मत बोलिए सर, हम लोग पास में है। सॉरी से नहीं काम चलता है, आप हेलमेट लेकर चले आ, ये बात सही है, रोकने का आवश्यकता ही नहीं है। ट्रैफिक है, जीवन सुरक्षा के लिए, हमारे लिए नहीं है, आपके लिए हेलमेट है। ठीक है सॉरी सर, पहन करके निकल लिए। सॉरी सॉरी, और ना बच्चा को दीजिए बाइक चलाने के लिए। नहीं बच्चे तो नहीं ले आते हैं। लगा के आएंगे दोबारा ना। आपका नाम क्या हुआ? मैडम मैडम नहीं सर, हो गया हो गया। नहीं वाह, सड़कों पे गाड़ी दौड़ाती हुई महिलाएं किस तरीके से बिना हेलमेट के चल रही हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे सड़कों पे गोपालगंज में बेखौफ जो युवा युवतियां हैं घूम रही हैं, औरतें घूम रही हैं बिना हेलमेट के। ये भी भाई साहब बिना हेलमेट के ही हैं जी। है? कपड़ा लेना था मैडम का, बिना हेलमेट के ही हैं आप? वो कपड़ा लेना था, यही घर है सर, जंगलिया मोड़। जंगलिया में कहाँ घर है आप लोग का? जंगलिया मोड़ पे ही है सर। तो कपड़ा लेना, ये फ्रेंड है मेरी, फ्रेंड है। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? जंगलिया मोड़ से आ रहे हैं सर, तो वही कपड़ा लेना था। कहाँ से मतलब आ रहे थे आप लोग ये बताइए? बरौली से। बरौली से आ रहे जी, कपड़ा लेना था तो वही आए थे, तो ऐसे चले आए। आपका नाम क्या हुआ? प्रकाश कुमार। प्रकाश कुमार, आपका नाम क्या हुआ जी? अंकिता कुमारी। अंकिता कुमारी। मुँह क्यों छुपा रही हैं आप? मुँह छुपा नहीं रहे हैं। फिर क्या हुआ सर बोलिए? बिना हेलमेट का चल रहे हैं आप लोग महाराज, डर नहीं लगता जी आप लोग को? थोड़ा ही दूर आना था, कपड़ा लेना था, इसलिए आ गए सर। मॉल में आए हुए थे, कपड़ा ही लेना था। उतर जाओ अंकिता। डबल बैठे हैं आप लोग सवारी, एक भी हेलमेट नहीं लगाए हैं। हेलमेट लगाते हैं सर, थोड़ा ही दुराना था ना। जो कह रहा सुने आप, पहले बात करना शुरू करते हैं। हेलमेट नहीं हो खरीद के लाइए, बिना फाइन किए हुए छोड़ दिए। ठीक है, नहीं तो फाइन करेंगे 1000। हेलमेट कहाँ मिलेगा? ले हेलमेट मिलेगा, बाजार है, कहाँ मिलेगा वो आप बता देंगे। हेलमेट मालूम नहीं है कहाँ मिलेगा। आप करते क्या है भाई? करते क्या है? बिजनेस है। किस चीज़ का? ज्वेलरी का, बर्तन का। बर्तन का? जंगलिया में? नहीं नहीं, बरौली बाजार। बरौली में जी। यहाँ पे क्या करते हैं? गोपालगंज में। बरौली से आए हुए हैं कपड़ा शॉपिंग करने के लिए सर, अपने फ्रेंड के साथ में। जी चलिए, अपने फ्रेंड के साथ में शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं बरौली से गोपालगंज में। जब प्रशासन रोकी तो इनके पास हेलमेट था नहीं, अब हेलमेट खरीदने के लिए लोग जा रहे हैं। ये कितने मतलब लोग लापरवाह हो चुके हैं शहर में, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल जो तस्वीरें हैं आपको अंबेडकर चौक का तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, धड़ल्ले से सभी लोग बिना हेलमेट के ही लोग घूम रहे हैं सड़कों पर बिना हेलमेट का। प्रशासन भी उतनी संख्या में तैनात नहीं है, डबल डबल लोग सिंगल सिंगल हेलमेट पर जा रहे हैं, फिर भी प्रशासन इनको नहीं रोक रही है। सिंगल सिंगल हेलमेट, सिंगल हेलमेट, सिंगल हेलमेट, सभी लोग डबल बैठे हुए लेकिन सिंगल हेलमेट है। उसके बावजूद ही प्रशासन सिंगल हेलमेट वालों को नहीं रोक रही है, उनको जाने दे रही है, लेकिन जिसके पास हेलमेट नहीं है उनको प्रशासन रोक रही है। अभी कई कई लोगों से मैंने बातचीत किया, कई कई औरतें से बातचीत किया, कई कई लड़कियों से बातचीत किया, उनका कहना है कि साहब तो सर मेरा हेलमेट छूट गया है, प्लीज़ हमको कैसे भी जाने दीजिए। एक ये बात बताइए, जिसकी जान की कीमत मात्र 450 रुपया लोग लगाते हैं, 450 रुपया 500 रुपये के एक हेलमेट नहीं खरीद पाते हैं, ऐसे सड़कों पर धड़ल्ले से निकल जाते हैं सैर करने के लिए, घूमने के लिए, जब प्रशासन रोकती है तो प्रशासन के सामने रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन प्रशासन के सामने अपनी गलती को नहीं मानेंगे, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे। और ऐसे ही जो लोग हैं सड़कों पर घूम रहे धड़ल्ले से, किसी के अंदर ना खौफ है, ना डर है, ना भय है।
बिना हेलमेट चलते रहिए, ट्रिपल सवारी चलते रहिए, ये गोपालगंज है। शायद ये स्थिति अगर पटना में होती तो न जाने कई करोड़ रुपए का प्रतिदिन चलान होता, लेकिन ये स्थिति जो गोपालगंज की है बिल्कुल लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बिना हेलमेट के ही चल रहे हैं आप लोग। महाराज डर नहीं लग रहा आप लोग को? सर यहीं पे थोड़ा दुकान है तो जा, सबको यही बतिया कह रहा है बस यहीं पे जा रहे हैं। कह रहे हैं सर अभी हम लोग मिस्त्री हैं। मिस्त्री है तो आपका भी जान की कीमत है ना भाई? ठीक है सर हम समझ रहे हैं। 400 रुपए का हेलमेट आता है ना? जी सर। कुछ घटना घटेगी तो प्रशासन को दोष देंगे आप लोग, लेकिन अपनी गलती तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं आप लोग। जी सर गलती हो गया है सर। थोड़ा इधर भी आ जाइए हमारे साथ। सर बिना हेलमेट के ही चल रहे हैं, डर नहीं लगता? ले लेते हैं सर। डर लगता है? डर लग रहा है ना? है हेलमेट है, अभी कह रहे खरीद के ला रहे हैं। इतना बढ़िया गाड़ी तो नहीं लाना है, इतना बढ़िया हेलमेट नहीं लगाए हैं। अरे सर घर पर रखे हुए हैं। इतनी हैंडसम पर्सनालिटी है आपकी, आपको रोड पर रोड सेफ्टी के लिए ले लेने दिए हैं। सॉरी सर। हेलमेट खरीद के लाइए, हम छोड़ देंगे। ना ना खरीद कर रखे हैं सर, खरीदते नहीं। देखिए जी इनको, इनको देखिए देखिए इनको देखिए, हेलमेट बोलिए खरीदना है नहीं तो खरीद कर रखे हैं। 1000 रुपया फाइन कीजिए इनको। कहाँ से आ रहे हो भाई? अरे यहाँ पे जा रहे हैं हॉस्पिटल पे जांच करवाने। यार हेलमेट पहने क्यों निकलते हो आप लोग? आगे ले लो गाड़ी। हेलमेट पहने क्यों निकलते हो आप लोग? जिम्मेदार नागरिक नहीं हो यार? अभी आप ही के जान के लिए पुलिस प्रशासन तैनात है ना। ये सर हेलमेट पहन के निकली है मैडम। आप तो समझदार लग रही हैं, कम से कम आप तो समझाती हैं इनको। जी क्यों नहीं बताया हेलमेट पहन के निकलने के लिए? जल्दी में चले आए। अरे जल्दी में अपना जान का कीमत है ना जी, पहले जल्दी बाद में होगा जी। 5 मिनट लेट ही पहुँचेंगे। चलिए बढ़िया, आप लोग साइड हो रही है। तो जो प्रशासन है बिल्कुल कई लोगों को छोड़ भी दे रही है, क्योंकि इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं ये लोग। देखिए किस तरीके से लोग भाग रहे हैं, प्रशासन पीछे से दौड़ा रही, लेकिन लोगों को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता है कि प्रशासन हमारे साथ क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। पहले से देखा जाए तो 100 के जगह 70-60% हेलमेट का जनसंख्या बढ़ गया। पहले तो बिल्कुल जीरो था, यहाँ जीरो था। मतलब एसपी साहब के आदेश पे 3 महीने से चेकिंग चल रहा है, तब से हेलमेट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और बढ़ते रहेगा। कोशिश है एसपी साहब का कि हर आदमी को हेलमेट पहना देना है। हाँ और हम लोग अच्छी बात है, मैडम हेलमेट लगा के जा रही हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन ये चाचा लोग को देख लीजिए, चाहे गाड़ी कोई भी हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, चाहे कोई भी हो, हेलमेट लगा के जा रहे। कितनी अच्छी बात है हेलमेट लगा के ये लोग जा रहे हैं, लेकिन इनके जैसे सब लोग जागरूक हो जाते हैं हेलमेट, बहुत लोग जा रहे हैं जी, बहुत लोग जाते हैं। लोग जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं? जागरूक मान लीजिए प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा सब किसी पर, तब मतलब सारे लोग हो जाएंगे। सर महाराज आप गाड़ी जा रहे हैं, न्यूटन क्या है ये? जी न्यूटन है। ये क्या है न्यूटन? ये मेरा लड़के का नाम है। बताइए लड़के के नाम पे गाड़ी चला रहे हैं, हेलमेट नहीं लगा रहे हैं आप लोग महाराज? हैं गलती हुआ है, हेलमेट तो लगाना चाहिए। गलती स्वीकार कीजिए, प्रशासन फाइन में लगेगा तब आपका। या हेलमेट खरीदिए नया? नहीं हेलमेट है। हेलमेट है तो लगाइए, कहाँ हेलमेट रखे हैं? डिक्की में, बगल में घर है, बगल में। अरे मैं सब को यही बात कह रहा है, देखिए सामने से, देखिए सामने से बिल्कुल। कौन से पीयूष? नहीं सर नहीं है। आप कहाँ से आ रहे हो भाई? आपका हेलमेट नहीं है? नहीं कुछ दिक्कत नहीं है। हेलमेट बताया जा रहा है खरीद के लाने पे तो नहीं ला रहे हैं, पैर भी करा रहे हैं तो पैर भी पे भी नहीं सुना जाता। हाँ पैर भी करा रहे हैं लेकिन पैर भी पे भी नहीं, अब पता ना सीपीओ ऑफिसर कौन है, लेकिन यहाँ पे कुछ पैर भी नहीं चलता है। सीधे आप हेलमेट खरीद के लाइए और जाइए, नहीं तो फिर चालान कटेगा। सामने देखिए बिल्कुल, तीन तीन व्यक्ति एक गाड़ी पे सवार होकर जा रहे हैं विदाउट हेलमेट। इनकी जान की कीमत शायद थोड़ा भी नहीं है, थोड़ा भी उनके अंदर डर भय नहीं है इन युवाओं को देखिए। रुको बाबू रुको। हेलो चलिए, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, 10-10 साल के बच्चे हैं, 10-10 साल के बच्चे हैं भाई। डर नहीं लगता जी तुम लोग को? कितने साल के हो? 17 साल के। डर नहीं लगता है? तो गाड़ी पीछे लो यार, साइड लो गाड़ी, थोड़ा सा तो गाड़ी साइड लो, साइड आओ साइड में लो गाड़ी वहाँ पे। देखिए सामने भी बिना हेलमेट के भाई लोग जा रहे हैं, बिना हेलमेट बिल्कुल, देखते रहे तस्वीरें को। डर नहीं लगता है? 17 साल के बच्चे हो तुम, कौन गाड़ी दिया चलाने के लिए? तुम भी जरा इसी के साथ हो ना? क्या नाम हुआ तुम्हारा? राजा हुसैन। कहाँ से आ रहे थे? गोपाल को जा रहे थे। कहाँ से? परशुरामपुर से। बिना हेलमेट के चले हो दोनों? हाँ। डर नहीं लगता है? मैडम थोड़ा सा रुकिएगा,
मैडम मैडम भागेंगी, उड़ा रही हैं गाड़ी, उड़ा रही हैं, उड़ाने दीजिए सर, वो बिल्कुल नहीं है अंदर लगता है। अरे हेलमेट क्यों नहीं लगाते यार? सर को बुलाइए, तो प्रशासन को बुलाइए सर। सर सर कौन सा तुम बच्चा फिर इसमें? सर बच्चा सर, एक मिनट सुन लीजिए इधर। सर बच्चा है, रुक जाओ रुक जाओ। सर सर तुम कौन हो? हम स्टाफ हैं। क्या किस चीज़ स्टाफ हो? इसके स्टाफ हैं। पुलिस में क्या हो तुम? ड्राइवर है। कहाँ है तुम्हारा एड्रेस? इधर आइए सर। इन बच्चे को देख रहे हैं बिना हेलमेट के परशुरामपुर से ऐसे चले आ रहे हैं ये लोग। हाँ अरे बाबू, हैं हेलमेट क्या हुआ तुम्हारा? हाँ उतरो उतरो, पहले उतरो, गाड़ी साइड करो, उधर ले चलो, चलो उधर है ना गाड़ी, है ना गाड़ी, है तुम पहले साइड हो को चलो, तुम पहले साइड हो। ये क्या यहाँ पे स्टाफ है? पागल है, दिमाग नहीं है। अब बताइए इन लोग क्या करेंगे आप लोग? फाइन काट दिया जाएगा और क्या, हेलमेट के लिए क्या? हाँ क्या आदमी, क्या आदमी थे, क्या आदमी है? अकेला? दो आदमी है। कौन है ये स्कूटर का? दोनों नाबालिग है, 25,000 का जुर्माना होता है, क्या करेंगे? हाँ बताओ, गाड़ी उधर ले चलो, साइड लाइए इनको, साइड लाइए। बिना हेलमेट के चल रहे हैं सर आप लोग, ट्रिपल सवारी बिल्कुल बिना हेलमेट का ही। आप लोगों को डर? आप सिंगल ट्रिपल जा रहे थे? हेलमेट अभी जस्ट लाया ना, कोई कहाँ से जस्ट आया भी सर, थाने ट्रिपल बैठाए हुए थे, अभी इसको पिकअप किया है। क्या कर रहे हैं? अभी जस्ट पिकअप किया है। जस्ट पिकअप की चीज़ का? थाने से दो आ जाने में से, बिना हेलमेट भी है मेरे पास। तो उन लोगों का हेलमेट जरूरी है ना? हाँ जी जरूरी है। अरे जान की कीमत और ध्यान, पता है मेरे को। आप लोग क्यों खड़े हैं यहाँ पे? हेलमेट के लिए खड़े हैं? उन बच्चों को थोड़ा देख लीजिए, आइए एक बार फिर से तस्वीरें को मैं दिखाता हूँ। इन लोगों को कैसे छोड़ रहे हैं आप? छोड़ नहीं रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। सामने देखिए, सामने बच्चों को देखिए, इन बच्चों को देखिए आप। सबके गार्जियन कैसा है सर, लोग पता ही नहीं चलता है। देखो ले, ले, ले चलो। तुम क्यों चाबी छीना उसका? काहे से ले लिया? तुम चाहे चाबी छीनो उसका, पागल है उसका। कहा सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, गिर जाएगा, मर जाएगा उसे रोड पर। चलिए मैं बिल्कुल आपके लाइव तस्वीरें गोपालगंज के अंबेडकर चौक से दिखा रहा था, जहां पे धड़ल्ले से लोग बिना हेलमेट के घूम रहे हैं। लोगों के अंदर थोड़ा भी डर भय खौफ बिल्कुल नहीं है, डर नाम का कोई चीज़ ही नहीं लोगों के अंदर कि एक हेलमेट नाम का भी कोई चीज़ होता है। एक हेलमेट 400-500 रुपए का हमको खरीद लेना चाहिए, लेकिन बिना हेलमेट का ही सब कोई ऐसे धड़ल्ले से, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे यंग हो, बिना हेलमेट का घूमना है। किसी के अंदर डर भय बिल्कुल नहीं है, ना कोई जान का उनके अंदर कीमत है, ना कुछ है, ना घर वालों का परवाह है। लापरवाही इतनी ज़्यादा है कि आप उसका अंदाज़ा आप इस वीडियो के माध्यम से लगा सकते हैं। लगभग मैं अंबेडकर चौक पे एक घंटा बिताने के बावजूद मैंने ये देखा, यहाँ पे लगभग 10 लोगों में से 3 लोग ही मात्र हेलमेट लगा के जा रहे हैं, बाकी 7 लोगों को प्रशासन यहाँ पे रोक रहे। प्रशासन भी कब रोकना शुरू की? जब मेरी मौजूदगी यहाँ पे प्रशासन देखी, तब प्रशासन तैनात होकर प्रशासन यहाँ पर लोगों को रोकना शुरू कर दी, ताकि जो लोग हैं हेलमेट खरीदते रहे, पहनते रहे। हेलमेट का बिक्री भी शुरू हो गया है यहाँ पे, छोटा सा बच्चा हेलमेट बेचना भी शुरू कर दिया है। और ऐसे ही देखने वाली बात यह होगी, आखिर ये लोग कब सुधरेंगे, कब से हेलमेट लगा के चलेंगे सड़कों पे, गोपालगंज के सड़कों पे, और प्रशासन कब इतनी हाई अलर्ट पे होगी कि इन सभी के सर के ऊपर गाड़ी चलाते हुए एक हेलमेट होना चाहिए इन लोगों के ऊपर। चलिए आपको इसी वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं, और इस वीडियो को आप देखिएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। मेरा नाम आदित्य, आप तो पंचायत देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।